देखो अकाउंटिंग का तो तुम्हारा पहला लेक्चर है, उसमें हम लोग बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। उसमें आप जानोगे अकाउंटिंग की मीनिंग कौन है, फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है तुम्हारा, है ना। उसके कुछ की टर्म्स हैं, की टर्म्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको जानेंगे। देखो जब बेसिक पे आपका कमांड रहेगा तभी आप आगे काम कर पाओगे, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे। तो आओ यही सब लोग स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक में पहला क्लास अकाउंटिंग का, ठीक है। चलो सब लोग हेडिंग डालो अकाउंटेंसी, ठीक। देखो ध्यान से, थोड़ा मैं तेज चलूंगा, लिखना नहीं किसी को, हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, अभी नोट्स निकाल के प्रोवाइड करें, ठीक है ना। आप यहां पर देखिए क्या करने आए, आप यहां समझने आए ना कि रटने आए। आप एक बार केवल अपना दिमाग कहां लगा लो, समझने में। मैटर आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करा ही दिया जाता है ना। आप आराम से घर पे बैठ के लिखो, एक बार लिखोगे फिर से आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज आपको मैटर जब प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आपको उसमें कोई, आप अपना पूरा फुल फोकस कहां रखिए, यहां रखिए, ठीक है ना। सीए, हाफ सीए मूवी देखे हो ना, उसमें क्या किया, सीए को और बड़ा चढ़ाक दिखा दिया। जितना बड़ा चढ़ाक दिखा रहे हैं ना उतना टफ है नहीं वो, बस शर्त क्या है, आप आराम से करते जाइए, ठीक है। तो देखो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ सब लोग, ध्यान दें। आप देखो सबसे पहले मैंने यहां पर बात किया, क्या लिखा है, ये फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है आपके, ध्यान दोगे, ल्यूका पैसियोली। बात समझ में आई कि नहीं, फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है, ल्यूका पैसियोली। देखोगे इनकी एक बुक थी, एक्चुअल में ये जो बुक थी कैसे बुक थी, मैथ की बुक थी, बट इसके कुछ पार्ट में हमको क्या मिला, अकाउंटिंग मिला, ठीक है। बुक का नाम क्या था, डी कंप्यूटेशन स्क्रिप्चर। बात समझ में आ रहा है आपको। देखोगे ये बुक पब्लिश भी कब हुआ था, 1494 में, ठीक है। एक्चुअल में मैथ का बुक था बट इसके कुछ पार्ट में हमको अकाउंटिंग मिला, तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं, अकाउंटिंग बिगिनिंग कहां से हुई, यहीं से। अकाउंटिंग स्टार्टिंग कहां से हुई है, यही 1494 से। और फादर कौन है इसके, ल्यूका पैसियोली। बुक का नाम क्या है, डी कंप्यूटेशन। बात समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत यहां तक, तो ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। बिगनिंग या स्टार्टिंग कहां से हो गई आपकी अकाउंटिंग की, 1494 से, ठीक है। अब देखोगे जब यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो कुछ की टर्म्स हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, की टर्म्स के बारे में। की टर्म्स का मतलब क्या होता है, वो छोटे छोटे टर्म्स जिसके बिहा पर आप पूरी अकाउंटिंग समझो, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे सबसे पहला क्या है आपका, ट्रांजेक्शन। सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन होता क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देखोगे ये मिस्टर ए है, ये कौन है बेटा, सेलर है। जो सेलर होता है उसके पास ओनरशिप होती है कि नहीं, ओनर होता है, मालिक होता है कि नहीं होता वो। अच्छा एक बात और याद रखना, ये नोट्स आपका हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, जिसको लगता है कि हमको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश का हार्ड कॉपी ले ले, हिंदी का सॉफ्ट कॉपी ले लेगा। बात समझ में आई, नहीं जिसको दिक्कत है दोनों रखे रहे अपने पास और दोनों एक साथ पढ़ता रहे, ठीक है। फिलहाल हमको फोकस कहां करना है, इंग्लिश पर, ठीक है। तो आते हम लोग देखते हैं यहां पर, मिस्टर ए सेलर है। सेलर क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है। सेलर कौन है, सेलर मिस्टर ए है, इनके पास ओनरशिप है। ये गुड सोल्ड करे 5,000 रुपए के किसको, मिस्टर बी को। मिस्टर बी कौन है, बायर है, इनके पास क्या है, ओनरशिप है। बात समझ में आ रहा है आपको। देखोगे बेटा ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फंड। कौन, मान लो सेलर कौन है, मैं हूं, आप कौन हो, बायर। मैंने आपको सामान दिया तो आप हमको क्या दोगे, अमाउंट पे करोगे कि नहीं। ध्यान रखोगे कितना अमाउंट पे करोगे, जितना उसकी वैल्यू होगी, वैल्यू मीन प्राइस, वैल्यू मीन प्राइस, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो ध्यान देना यहीं पर बातें निकल के, यही बात आपको यहां पर हमको पढ़ाना है। पहला बात क्या निकल के आया, ट्रांजेक्शन। हम लोग पहला बात क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन क्या है, मोनेट्री टू वे प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांजेक्शन की मतलब क्या होती है, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमको। मोनेटरी
हाँ मोनिट्री कोई बता रहा था। हाँ बताते रहा करो, बताते रहा करो, शर्माया मत करो। देखो जब मैं आपको पढ़ा रहा था बताया कि ट्रांजेक्शन बेटा दो तरह का होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आ रहा कि नहीं आ रहा है, पहला क्या है आपका मोनेटरी ट्रांजेक्शन और दूसरा क्या है आपका नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन, है ना। आप देखोगे कि ये मोनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है, बताओ भाई मोनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। तो देखोगे द ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू द मनी और मनी इज वर्थ, है ना। उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया मोनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। ऐसा ट्रांजेक्शन जो किससे रिलेटेड है, मनी और मनी वर्थ, पैसे से जो रिलेटेड है वो क्या है। हमने देखो क्या किया, नीचे लिखा है ना एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल, सैलरी एंड रेंट पेड, फिर थर्ड है आपका टीचर टीच इन दिस स्कूल। मैं आपको पढ़ाता हूं, क्यों पढ़ाता हूं, तुम्हारा लाड प्यार मिलेगा क्या हमको, वो भी मिलेगा लेकिन उसके साथ क्या मिलेगा, पेमेंट। बात समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान रखो कि देखो ट्रांजेक्शन दो तरह के, पहला क्या है मोनेटरी, मोनेटरी ट्रांजेक्शन को ही आपने अकाउंटिंग में इन्वॉल्व किया है ना। आपके पापा ने आपको यहां पढ़ने के लिए भेजा है, क्या आपसे पैसा लेते हैं क्या, वो नहीं लेते हैं पैसा, नहीं लेते ना, क्यों, क्योंकि आप उनके क्या हैं, लाइबिलिटीज है ना, तुम उनके लाइबिलिटीज हो, तुम उनके सुपुत्र हो, सुपुत्री हो। वो तुमको क्यों पढ़ा रहे हैं, जिससे कल को तुम उनकी मदद कर सको, ठीक है। तो देखोगे तुम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में देखेंगे हम लोग, पढ़ा करो तुम लोग एक बार। पढ़ा तुम लोगों ने, देखो ऐसा ट्रांजेक्शन जो किससे रिलेटेड है और लव एंड अफेक्शन से। तुम्हारी मम्मी तुमको गांव जाते हो कभी दुलारती है ना, जब तुम लोग यहाँ जाते हो पूरा जितने वैरायटी ऑफ फूड्स हैं वो बनाएंगी, खिलाएंगी तुमको, खूब दुलारेंगी, है ना। क्यों, बहुत दिन बाद मेरा बेटा आया इलाहाबाद गया था पढ़ने, ना बात समझ में आ रही नहीं। तो आपको ध्यान रखना इन सभी बातों को, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन। टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तुम्हारे जो नीड्स हैं वो तुम्हारे घर वाले फुलफिल कर रहे हैं, क्या ही है सब, नॉन मोनेटरी। और नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन को यहां से बाहर रखा गया है, कहां से बाहर रखा गया, अकाउंटिंग से बाहर रखा, ठीक है। तो ये है आपके ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन दो तरह का हुआ, किसी को यहां तक कोई डाउट हो बताए, पहला मोनेटरी दूसरा नॉन मोनेटरी, क्लियर है। आओ आगे आ जाओगे तो यही बात निकल के आई यहां पर, ट्रांजेक्शन क्या है मोनेटरी, मोनेटरी समझ में आया आपके, ट्रांजेक्शन समझ में आया, टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है, एक आदमी बेचता है दूसरा आदमी क्या करता है, कहता है ना। देखो यहां लिखा है ना टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन है ये, सेलर और बायर। बातें समझ में आ रही है आपके, कोई दिक्कत। देखोगे इन विच टू आर मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व, जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियां इन्वॉल्व होती है। एक पार्टी कौन है, सेलर, एक पार्टी बाय, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी दीदी, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी चाची तुमको फोन खरीदने गई, एक से अधिक लोग इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व, बट पार्टी तो दो ही हुई ना, एक पार्टी बायर की दूसरी पार्टी सेलर। बात समझ में आ रही है आपकी, देखेंगे आप वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर और एक्सचेंज, जहां पर आप क्या करते हो। मैंने बोला बेटा मेरा मोबाइल फोन का दुकान है, ये फोन खरीदने आया, हम बोले बेटा 5-15 हजार रुपए का फोन है, इसने बोला अच्छा 15 हजार रुपए लो, बोला फोन दो, मैंने बोला फोन नहीं देंगे तुमको लेके जाने, हम बोले फोन लेके गया अगर तुम बिगड़ जाएगा, बहुत सीधा लड़का है तुम, ये बोला तब तो मैं पैसा नहीं दूंगा, अगर हम आपको फोन का एक्सचेंज या ट्रांसफर ना करें आप हमको अमाउंट पेड करोगे, नहीं करोगे ना, क्यों, क्योंकि वहां पर गुड सर्विस ट्रांसफर एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है,
और जब तक एक्सचेंज या ट्रांसफर होगा ही नहीं, सेल टेक प्लेस होगा ही नहीं, सेल माना जाएगा वो या परचेज माना जाएगा, माना ही नहीं जाएगा। तो आपको बेटा ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। देखोगे ये सारे काम किसके बीच हो रहे हैं, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। एक पार्टी का नाम क्या है सेलर, दूसरी पार्टी का नाम क्या है बायर। किस पर हो रहा है, वैल्यू को क्या बोलते हो, राइट। बात समझ में आ रहा है आपकी, कोई डाउट यहां तक बताऊं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा ट्रांजेक्शन, ये बात आप ध्यान रखोगे, है ना। ट्रांजेक्शन क्या है, मोनेटरी टू वे प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं, है ना। फिर जहां पर गुड्स और सर्विस को आप ट्रांसफर करते हो या एक्सचेंज करते हो, किससे, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर, किसी वैल्यू पर। व्हाट इज मीन बाय गुड्स, एक चीज यहां और क्लियर करना है आपको, गुड्स और सर्विस या दोनों का क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय गुड्स, कोई बताएगा हमको। कोई बताएगा बेटा, देख लो अभी मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था ट्रांसफर या एक्सचेंज। देखोगे ट्रांसफर और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, यहां पढ़ लो एक बार। नोट्स में देखो सारी बातें मैंने लिखी हैं, किसी बातों को छोड़ा नहीं है, और आप नोट्स को प्रॉपर कायदे से रन करेंगे, ठीक है। और आप इसको फेंकोगे नहीं, रखे रहोगे, क्योंकि जैसे ही आप ग्रुप वन में जाएंगे फाउंडेशन प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना, पिछला प्लस और जो आ जाएगा तो रहेगा। देखो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर बोलो भाई, ट्रांसफर का मतलब क्या है, पढ़िए, पढ़ना तो सबको आता होगा ना। बाइंग एंड सेलिंग, जब हम लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर, ठीक है, फॉर सम कंसिडरेशन, वो उसी कंसिडरेशन का नाम क्या है, मोनेटरी बेनिफिट। तो मोनेटरी बेनिफिट के लिए जब आप गुड्स या सर्विस एक पार्टी दूसरे पार्टी को देते हो, उसी को आप क्या नाम दियो, ट्रांसफर। समझ बात आ रहा है आदर्श। एक्सचेंज का मतलब, दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज का मतलब क्या है, ये मेथड आपका बार्टर सिस्टम से आया है ना। गाय के बदले भैंस दे दीजिए, भैंस के बदले गाय, गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं, क्या था ये एक्सचेंज, पहले यही तो था, पैसा जब नहीं था तो ध्यान रखोगे बार्टर सिस्टम से मेथड आया फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। मोनेटरी बेनिफिट आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस, वहां पर देखो मोनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं, यहां पर इन्वॉल्व, ठीक है। आज की डेट में इसका मतलब बदल गया, आपने हमको पैसा दिया, मैंने आपको सामान दिया, दैट इज नोन एज एक्सचेंज और ट्रांसफर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं यहां पर, हम लोग को इसको पढ़ना रहेगा। ट्रांजेक्शन क्या होता है, स्टॉक का ट्रांजेक्शन होगा, एसेट्स का होगा, ये सब भी हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है, जब आ जाते हैं तो। वहां पर देखो यहां पर हम लोग पहले बात करने वाले गुड्स और सर्विसेज, सबसे पहले हम लोग जाने गुड्स क्या होता है। देखो कोई बताएगा हमको गुड्स क्या होता है, डिफरेंस के थ्रू यहां पर समझाएं हम। देखोगे फिलहाल सब लोग, देखो ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो क्या है, गुड। आपको भूख लगा, आपने पूरी सब्जी खा लिया, आपको भूख लगा, आपने फल खा लिया, क्या है, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करेगी, तो वो गुड्स है कि नहीं। तुमको गर्मी लगा, तुमने एसी का हवा लिया, क्या है ये, सेटिस्फेक्शन कि नहीं। तो एसी आपके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया कि नहीं, एसी को खाना तो है नहीं। तो ध्यान रखो ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन नीड या वांट को सेटिस्फाई करती है वही क्या है, गुड्स है। और वही क्या है, सर्विसेज है, दोनों की मीनिंग सेम है, बट डिफरेंस कहां है, गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो, सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, है ना।
गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, इसकी साइकिलें हम मांग सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट इसके नॉलेज को हम, ये मेरा नॉलेज यूज कर सकता है क्या? नहीं यूज कर सकता है. क्यों? क्योंकि सर्विसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर. बातें समझ में आ रही है आपको? फिर गुड्स क्या होता है? टेंजिबल. सर्विस क्या होती है? इंटेंजिबल. टेंजिबल मीन जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो. बात समझ में आ रही है कि नहीं? टेंजिबल मीन कैन बी सीन और टच. इनटेंजिबल मीन ना आप उसको छू सकते हो ना तो टच कर सकते हो. बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो देखो कि ट्रांजेक्शन की मैंने सभी बातें आपको क्लियर की. मोनेट्री टू वे प्रोसेस है ना. ट्रांजेक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया है ना. फिर मोनेट्री टू वे प्रोसेस को मैंने क्लियर किया आपको. फिर गुड सर्विस को क्लियर किया, एक्सचेंज और ट्रांसफर को क्लियर किया. ठीक है. वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस. वैल्यू का वो मेजरमेंट जिस पर आप गुड्स या सर्विस को ट्रांसफर करने वाले हो. बात समझ में आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? आते हम लोग फीचर्स पर. देखोगे एक ट्रांजेक्शन का क्या फीचर्स है, पढ़ोगे सब लोग इसको, सब लोग इसको पढ़िए. और जहां ना समझ में आए वहां आपको रोको. ठीक है. फिर देखो तुम्हारा पेपर कैसे नहीं निकलता है. ठीक है. और कुछ नहीं है, वही 11-12 है, एक साथ काम करना है. देखोगे फीचर्स कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए? दो पार्टी होनी चाहिए कि नहीं? कौन कौन? सेलर एंड गुड्स या सर्विस. यह क्या होना चाहिए? और बोथ. ठीक है. फिर देखोगे देयर मस्ट बी ट्रांसफर और एक्सचेंज, है कि नहीं? अदला बदली भी होनी चाहिए. फिर द गुड्स और सर्विसेज मस्ट हैव सम वैल्यू, है ना. गुड्स और सर्विस की क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई वैल्यू, प्राइस और मोनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए. अगर मोनेटरी कंसिडरेशन नहीं है तो वो बार्टर सिस्टम हो गया, गिफ्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग के लिए डोनेशन हो गया. ठीक है. कुछ भी हो सकता है. आते हम लोग आगे इवेंट के लिए लिखे. इवेंट क्या होता है? रिजल्ट होता है ट्रांजेक्शन का. सब लोग फिर से उसी डायग्राम को एक बार रिपीट कर लोगे. देखोगे ध्यान से, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है कि नहीं? मिस्टर ए और मिस्टर बी कर क्या रहे हैं यहां पर? यहां पर देखो, ए ने बी को क्या बेचा? सामान बेचा कि नहीं बेचा? देखोगे कितने का? 5,000 का. जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 4,000 रुपये. मिस्टर बी ने उसको 5,000 दिया. हम 4,000 के सामान को 5,000 बेचे, हमको 1,000 का प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा है? दैट इज, यही तो रिजल्ट हुआ. आप ट्रांजेक्शन करते क्यों? पैसा कमाने के लिए. पैसा कमाने क्या आपका? यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? हमको बताओ एसेट्स क्या होती है? पढ़ो फटाफट सब लोग. एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएबल रिसोर्स? प्रेजेंट टाइम में जिसकी मार्केट वैल्यू है, जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसको चेक नहीं करते, वही क्या वैल्यूएबल रिसोर्स? एप्पल का आईफोन मिल जाए तो भी देखो, है कि नहीं तुम्हारे लिए? तो ध्यान रखोगे अगर तुम्हारे पापा सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करने पर आपको पुराना स्कूटर दे, आप लोगे? क्यों नहीं लोगे?
स्कूटर लोगे, पुराना कंप्यूटर लोगे? क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, और जिसकी वैल्यू नहीं वो तो कबाड़ हो गया ना, उसका तो केवल रिलाइजेबल वैल्यू, वो एसेट्स है बट कैसी है? आउटडेटेड, उसकी वैल्यू कबाड़ के बराबर, इसलिए उसको आप एसेट की डिफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? तो एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स, फिर विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय बिजनेस ओनर, जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में है? तुम्हारी साइकिल बाहर खड़ी है, इसने हवा निकाल दी, तुम क्या करोगे इसके साथ? देखो बोलना चाह रहा है, बोल नहीं रहा, हम भी इसकी हवा निकाल देंगे सर। बात समझ आई नहीं? क्यों ऐसा आप क्यों करोगे? क्योंकि उसकी कंट्रोल और मैनेजमेंट की पावर किसके पास है? आपके पास, क्योंकि आप कौन है? आप उसके ओनर। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? देखोगे विच हैज स्पेसिफाइड इकोनॉमिक लाइफ साइकिल, जिसका क्या एक स्पेसिफाइड इकोनॉमिक लाइफ साइकिल है। स्पेसिफाइड इकोनॉमिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है बताओ बेटा? क्या ये सर्टेन टाइम पीरियड? हम लोग का लाइफ क्या है? 100 साल भगवान दिए, अच्छे कर्म करोगे जियोगे, नहीं करोगे तो? बात समझ में आई नहीं? उसी तरह हर एक एसेट्स की क्या है? पर्टिकुलर लाइफ है, ठीक है? आगे देखोगे विच इज हेल्पफुल इन द रनिंग एंड ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जो क्या कर रहा है? रनिंग एंड ऑपरेशन का मतलब क्या है यहां पर? रनिंग और ऑपरेशन का मतलब आप कैसे करोगे? या तो मैन्युफैक्चरिंग करोगे, या आप क्या करोगे? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कोई हमको बताए? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बताना चाहेंगे आप? तुम लोग कम बताते हो, कायदे से चीजों को बताते नहीं हो। नो, देखिए क्या होता है। देखो गलत पढ़ने से अच्छा है मत पढ़ो, समझे कि नहीं? क्योंकि गलत चीज को दिमाग में रखोगे तो गलत चीजें ही निकलेगी। देखो ये प्रोडक्शन है, जब रॉ मटेरियल पे आप प्रोसेस कर रहे हो और डज नॉट लूज हिज आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी वो लूज नहीं कर रहा है, अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर रहा है, जनरेटेड सेम या सिमिलर नेचर प्रोडक्ट, गेहूं का बीज डालने से गेहूं ही आएगा, चावल का बीज डालोगे चावल ही आएगा, मुर्गी से अंडा ही आएगा, क्या ये प्रोडक्शन है? सिमिलर नेचर के कुछ है ना, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? आगे देखोगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जब रॉ मटेरियल में प्रोसेस हो और वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, नया प्रोडक्ट जनरेट होता है, उसको आपने क्या नाम दिया? मैन्युफैक्चरिंग। आटा, गेहूं से आटा, आटे से बिस्किट, आटे से मैदा, आटे से ब्रेड या मैदा से ब्रेड, मैदा से पिज्जा, क्या ये सब? अपना नेचर बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया, नया प्रोडक्ट जनरेट हो गया है। बात समझ में आ रहा है भाई? आगे बढ़े हम लोग, यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम बताओ? कौन कौन से सेकेंड? अरे यार सेकेंड बटन बोल रहा हूँ मैं ना।
सुनते कम हो क्या तुम लोग? तो फर्स्ट क्यों तुमने प्लग कर दी? आगे लिखो, कोई चीज अगर नहीं समझ में आती पहले उसको पूछ लिया जाता है। एक मिनट वेट कर लो। पट 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 कर दिए। ये बंद रहने दो, उसी को चलो। थर्ड वाला, पढ़ाई लिखाई देखो इसलिए होती कॉमन सेंस थोड़ा जनरेट हो, और जब तक कॉमन सेंस नहीं जनरेट होगा ना तब तक काम नहीं होने वाला, ठीक है ना? बाहर निकाल दिया जाए क्या तुम लोग को? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग। लास्ट पॉइंट देखोगे, इट इज नॉट रीसेलेबल इन द बिजनेस, जिसको आप बिजनेस में रीसेल नहीं कर सकते। अगर रीसेल कर दोगे तो क्या हो गया? वो गुड्स हो गया, ठीक है? तो ये आपकी एसेट की डिफिनेशन है। एसेट क्या? अवेलेबल रिसोर्स है, कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में, ओनर के हाथ में, स्पेसिफाइड लाइफ साइकिल है उसकी, है वो क्या कर रहा है, रनिंग एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है आपकी। फिर इट इज नॉट रीसेलेबल इन द बिजनेस। थम इंप्रेशन का, तो घर वाले देख रहे हैं बच्चे मेरा पढ़ रहा है कि घूम रहा है, हमने क्या कर दिया, तुम्हारी हाजिरी के लिए एक लगवा दिया। हाथ लगाते हो घर वाले के ऊपर मैसेज पहुंच जाता है। मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है कि नहीं मेरी, क्या है वो एसेट, ठीक है? तो ध्यान रखोगे इसको। देखोगे टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। जब आप बात करोगे टाइप्स ऑफ एसेट्स की, तो नॉन करेंट एसेट्स है एक, और दूसरी क्या आपकी करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट से आप क्या समझते हो? ऐसी एसेट जो करेंट नहीं, करेंट का मतलब क्या, दौड़ना भागना, जो दौड़ती भागती नहीं, जो एक पर्टिकुलर स्टेज पर फिक्स रहती, वो क्या है आपकी, ठीक, या नॉन करेंट। देखोगे आगे आप, पढ़े आराम से इसको। नॉन करेंट और फिक्स एसेट में देखोगे द एसेट विच इज हेल्पफुल इन द ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब बताया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडिंग ऑफ बिजनेस। इट इज मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस, क्या लिखा, इट इज नॉट मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। हम पढ़ा रहे हैं ये टेक्स्ट में, भागने लगा, भाग सकता है? कब पढ़ेगा? जब डेस्क बेंच होएगी। बोर्ड लेके क्या मैं नचा नचा कैसे पढ़ा दूंगा तुम क्या, ठीक है? तो इसीलिए क्या ये फिक्स एसेट, बात समझ में आई नहीं? करेंट एसेट क्या होती है? पढ़िए इसको। देखो करेंट का मतलब ही क्या होता है, दौड़ना। करेंट का मतलब क्या होता है, दौड़ना, जो दौड़ता रहे। करंट आप देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी से वर्ड जनरेट हुआ, तो क्या मतलब हुआ इसका, ऐसी एसेट जिसको आप वो एक ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वही आपकी क्या है, वन ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या हो गया, वन ऑपरेटिंग साइकिल जो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और एंड कब होता है, 31 मार्च, ठीक है ना? यहां के लिए तुमको यह समझना पड़ेगा। ईयर का कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले आप। ईयर के कॉन्सेप्ट आपके पास कितने हैं? एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर आपका कब से कब होता है?
ठीक है बेटा, ये स्टार्ट कब होता है? फर्स्ट जैन से एंड एंड होता है 31 दिसंबर एवरी ईयर। कुछ कंपनियां, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती हैं, अदरवाइज हम सब लोग क्या फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। जो कब से स्टार्ट होता है? फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। क्लियर है यहां तक आपको? तो देखोगे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। देखो ध्यान दो सब लोग, देखोगे जब ऑपरेटिंग साइकिल की आप बात करोगे कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को। यही है हमारा फाइनेंशियल ईयर। यहां से स्टार्ट होकर यहां तक चलेगा, ये क्या है? 12 महीने का। 12 महीने में जिसको हम लोग क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कैश में। वही क्या हो गई आपकी? करंट एसेट। ये जनरल टर्म है, कुछ केस में बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो वो जब मैं अभी आप लोग को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक। अभी जनरल नॉलेज है, इतना क्लियर है। देखोगे नॉन करंट एसेट, जिसको आप क्या बोल सकते हो? फिक्स्ड एसेट। इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फिक्स्ड टेंजिबल इनटेंजिबल। ठीक, कोई दिक्कत? क्या नाम है? अमन राज। ठीक, कोई दिक्कत? नॉन करंट एसेट्स को फर्दर टू पार्ट में क्लासिफाई किया हमने, टेंजिबल इनटेंजिबल। व्हाट इज मीन बाय टेंजिबल? टेंजिबल का मतलब जिसको कैन वी कैन सी नोट, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। और इनटेंजिबल मीन्स ठीक है, क्लियर है ना सबको? पढ़िए नीचे, पानी बसने लगा क्या? नहीं, पढ़ो बेटा। द एसेट विच इज फिजिकली प्रेजेंटेड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब एसेट फिजिकली प्रेजेंटेड है कि नहीं? बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ एसेट्स इज यूज्ड बाय बिजनेस। इस तरह के एसेट्स का बेनिफिट बिजनेस यूज करता है ना। इट कैन बी सीन और टच बाय द पर्सन। इसको किसी पर्सन के द्वारा छुआ और देखा जा सकता है। बट जब आप इधर देखोगे, पढ़ना बेटा इसको, तो देखोगे ऐसी एसेट फिजिकली प्रेजेंटेड नहीं होती। कहां पर नहीं होती? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट जो होता है इस तरह के एसेट्स का कौन यूज करता है? बिजनेस, है ना। इसको हम लोग सीन और टच नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? किसका? आराम से तुम बैठे रहो, बस मैं सब बता रहा हूँ, परेशान मत। देखो दिखा, जादू है ये, जादू, ठीक। देखो कि प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, लैंड बिल्डिंग, लीज होल प्रीमाइसेस, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारी टेंजिबल एसेट्स हैं।
इनटेंजिबल का एग्जांपल क्या है? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा, है कि नहीं? ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, अभी मैं आगे क्लियर करूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आता, आगे बढ़े। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज आर फ्यूचर ऑब्लिगेशन। फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? जिसको हम लोग कब पे करते हैं? फ्यूचर में, जो कब एराइज होती है? ड्यू टू पास्ट। अब समझोगे इसको तुम लोग ध्यान से। देखते रहो सब लोग फटाफट, जिसको लिखना हो अपना लिखता रहा। दिख रहा है सबको? यहां तक किसी को प्रॉब्लम बताए बेटा? ध्यान से देखो, ये मान लो मिस्टर एक्स है, कौन है ये? मिस्टर एक्स। मूवी देखे थे ना तुम लोग एक आई थी, देखो इसको याद। देखो कि इसको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। तो कैपिटल का क्या करना पड़ेगा इसको? इंतजाम। उसने अपने पापा से मांगा 50 लाख, दिए कितना? बाकी कम पड़ गया। किससे लेना पड़ेगा? बैंक से लोन, ठीक है? तो बैंक के पास गया, बैंक क्या कर रहा है? उसको लोन दे रहा है। कितने का? 45 लाख का। कब दे रहा है? 20 में। आज का डेट क्या है? आज का डेट क्या है बेटा? 9th अगस्त है। 9th अगस्त 2023 को लोन ले लिया। कितने का लोन लिया? 45 लाख रुपए का। अब ये पैसा उसको रिफंड करना है। कब रिफंड करता है? आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, मतलब 10th of August 2020, ठीक है ना? तो ध्यान रखो कि यही क्या है आपका फ्यूचर ऑब्लिगेशन की नहीं। कब पे करना है? बाद में, 5 साल के बाद। फ्यूचर ऑब्लिगेशन एफर्ट कब किए हो तुम? 9th अगस्त। आज के एफर्ट का रिजल्ट 5 साल के बाद। आज तुम पढ़ोगे तभी तो 5 साल के, 4 साल के बाद सीए बनोगे, ठीक है? तो वही बात ही, यही क्या है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम। देखोगे इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्या नाम है इसका? एक्सपेंस। कोई बता सकता है हमको एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा हिंदी थोड़ी मैंने पूछा आपका। देखो मेरा क्वेश्चन है यहीं पर, देखो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। मुझको अपनी कोचिंग चलानी, इंस्टीट्यूट चलाना है, पानी, इलेक्ट्रिक, स्वीपर, नोट, ये सब खर्चे लगाने के लिए ना, क्या है ये हमारा एक्सपेंस है कि नहीं? एक्सपेंस हमारा। तो क्या लिखा है? एनी अमाउंट विच इज इनकर्ड ऑन द रनिंग एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। कोई भी पैसा आप करते हो रनिंग में, रनिंग का मतलब या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या प्रोडक्शन करोगे या मैनेजमेंट करोगे या ऑपरेट करोगे, जो भी पैसा जा रहा है वो सब क्या है आपका?
अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर।